वेलकम टू एस ए मैथमेटिक्स अड्डा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 17 का एक पेपर जो कंडक्ट हुआ था 12th ऑफ अगस्त 17 शिफ्ट 2 में। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। किसी पूर्ण वर्ग, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। ओके, तो अगर संख्या है 2 तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी 4 तो हो सकता है, तो ये आंसर नहीं है। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 भी दे रखा ऑप्शन में, तो ये भी आंसर नहीं है। 4 का वर्ग होता है 16, 6 भी आंसर नहीं है। 5 का वर्ग होता है 25, यानी ये 5 आएगा। 6 के वर्ग में होता है 36, यानी 6 भी आ सकता है। 7 का वर्ग होता है 49, 9 भी आ सकता है। 8 2 64 4 आ गया। 9 9 81, 9 का वर्ग 81 होता है, यानी 1 भी आ सकता है। और 10 का वर्ग 100 होता है, 0 आ सकता है। यानी कि अगर संख्याओं का हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और बच गया क्या? 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया। इसके अलावा और कोई भी अंक नहीं हो सकता जिसमें से अपने पास 3 अवेलेबल और 8 कहीं पे इसमें है नहीं, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, यानी 8 किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक करें तो कुल कार्य का कितना कितना भाग हो जाएगा। ओके, कितना परसेंट भाग हो जाएगा। राम कर सकता है 15 दिन में और अमन कर सकता है 30 दिन में, तो एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 30 के एलसीएम 30 ही आएगा। अगर रमन 30 काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करता होगा, और अगर अमर 30 काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करता होगा। यानी अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों एक दिन में 3 काम कर देंगे, और कुल काम है कितना 30, तो दिन कितने लगेंगे 30 बटे 3, यानी कि 10 दिन लगेंगे। उन्होंने कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है। अगर 10 दिन काम करते हुए वो 100% काम करते हैं, 10 दिन में 100%, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे 40%, तो आंसर आ गया 40%, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 21 और 9 सेंटीमीटर है, यानी कि कुछ इस तरह दे रखा है। ये एक ट्रेपीजियम है, समांतर समलंब चतुर्भुज है। अपने को ऊपर वाली भुजा 9 दे रखी, नीचे वाली 21 दे रखी, और इसके बीच की हाइट दे रखी है 10। हमें इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू एच। समांतर भुजाएं कितनी है, 9 और 21, तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 21 और 9 30 होते हैं और हाफ है, और ऊंचाई इनकी हाइट दे रखी है 10, तो इंटू 10 कर दो तो ये चला जाएगा 5 बार, तो 30 पंजे कितने होते हैं 150। आंसर आ गया 150, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 10, 30। एकल बट्टा बताना है इन तीनों का, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रमागत प्रतिशत निकालना है डिस्काउंट के लिए। तो वो क्या होता है, दो टर्म्स के लिए क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो हम पहले इन दो टर्म्स के लिए निकाल लेते हैं। अभी इन दोनों टर्म्स से जो आ जाएगा, अगर एक्स आ गया फिर हम इन बचे हुए दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं हमें क्या करना है। अभी हमें ए की वैल्यू देखिए 20 और बी की वैल्यू देखिए 10, तो 20 + 10 -20 × 10/100। एक जीरो से ये जीरो शहीद हो गया, इस जीरो से ये जीरो शहीद हो गया, यानी कि कितना हो गया 30 - 2 = 28, यानी कि इन दोनों से आ गया 28। अब हम निकाल लेते हैं 28 और 30 का, ठीक है, सेम यही। तो 28 + 30 - 28 × 30/100, तो एक जीरो से ये जीरो शहीद हो गया और इस जीरो से एक डेसिमल आ गया, तो 28 से कितने होते हैं 8 × 24 = 60, तो 60 और 24 कितने हो जाएंगे, 60 और 24 होते 8.4, तो यहाँ से आ जाएगा 8.4। ठीक है, तो एक बार ऐड कर लेते हैं, तो 50 58 ये हो गया -8.4 विच मीन्स 49.6 आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर हम 58 से 8.4 माइनस करेंगे तो 49.6 आता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात इतना 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 दे रखा है, इन तीनों बोतल को एक बड़े बोतल में खाली कर दिया जाता है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। ओके, दूध का परसेंटेज बताना है। अपने को ये दे रखा है कि ये जो बॉटल्स है ना, इनकी क्षमता सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दिए गए रेशियोज के अकॉर्डिंग हमें सिमिलर करना पड़ेगा। अब ये देखो, इधर है 5:7, ये देखा 7:1 और ये देखा 2:1, मगर ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं, मगर अपने को प्रश्न में बता रखा है कि क्षमता सेम है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो देखते हैं सेम कैसे करेंगे। देखो, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 और 9 होते हैं 16, 2 और 1 होते हैं 3, जबकि ये 12 लीटर है, ये 16 लीटर है, 3 लीटर, जबकि प्रश्न में बोल रखा है ये तीनों के तीनों बराबर है। तो इनको बराबर करने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो 12, 16 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। तो सभी को 48 बना दो, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 48 हो गया। अब देखो तीनों की क्वांटिटी सेम हो गई, यानी कि कुल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो गया 48 × 3, क्योंकि ये सारे के सारे 48 48 48 है ना, तो टोटल सॉल्यूशन हो गया 48 × 3। अब अपने को बताना है दूध की क्षमता। तो दूध क्या है, पहला भाग जब ये 12 लीटर था उसमें 5 भाग था दूध का, मतलब अब तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो 5 चौक कितने होते हैं 20, तो यहाँ पे लिख दो 20 प्लस। अगले में देख लेते हैं, अगला था 16, 16 में से 7 भाग था हमारे पास दूध, मगर अब 48 हो चुका, यानी कि इसका भी 3 गुना, तो 7 3 21 प्लस। अब जब ये तीसरा वाला 3 था तो उसमें 2 भाग दूध थे, मगर अब ये 48 हो चुका, यानी कि 3 गुना, मतलब 16 गुना, तो 16 दूनी 32 होते हैं। अब इन तीनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 20 40 60, 73 हो गया, 73/144। तो ये देखो 50% से हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50 से हल्का सा ज़्यादा, ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन आ गया जो 50 से हल्का सा ही ज़्यादा है, क्योंकि 51 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 51 ये तभी होता जब ये अराउंड 75 पार कर जाता, ठीक है ना, मगर अभी 75 पार नहीं किया इसने, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो एसएससी का फेवरेट है, पता नहीं करोड़ों बार आ चुका है डेटा चेंज करके। अपने को बोल रखा है सात मित्रों ने 14 रुपये खर्च किए, नहीं खर्च कितने करेंगे, 14 × 7, और 8वें मित्र ने औसत से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए, यानी कि प्लस एक्स प्लस 21, मैंने मान लिया कि औसत एक्स थे, ठीक है, जो ये 8वां बंदा था उसने औसत से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए होंगे, तो ये टोटल खर्चा हो गया होगा ना, तो टोटल लोग कितने हैं 8, क्योंकि 7 और 1 8 होते हैं, हमने औसत माना है एक्स, ठीक है, तो ये एक्स औसत है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 14 से 7 98 हो गया, 98 + 21 और ये एक्स इधर पहुंच जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, तो उसके ऊपर सॉल्व करते हैं, 119, 7x = 119, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17, है ना, क्योंकि 17 7 119 होते, तो एक्स की वैल्यू 17 आ गई। तो हमें क्या बताना है, टोटल मनी कितना खर्च किया गया था, टोटल मनी खर्च किया गया था 8x, ठीक है ना, हमने ये तो मारा था 8x, तो 17, ओ सॉरी, हाँ 17 × 8 कर दो, 7 8 56, आखिरी में 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 में बेची तथा उसका प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था, यानी कि उसको उसने जितना खरीद जितने का उस पेन को खरीदा था ना, उसको बेचने 24 रुपये बेचने पे उतना ही फायदा हो गया, तो ऑप्शन देख लो, 20 का 20% कितना होता है, 20 का 20% होता है 4 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 4 24, तो यही आंसर है, 20 20 रुपये इसका आंसर हो गया, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन देख के ही खत्म था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बी सी तीन छात्र हैं, ए को बी से 36%
अंक कम तथा सी से 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए? ओके, तो एक काम करते हैं, हम सी को 100x मान लेते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि ए को सी से 16% ज़्यादा अंक मिले थे, तो ए को कितने मिले होंगे? ए को मिले होंगे 116x। अब ए को बी से 36% अंक कम मिले हैं। 36% अंक का मतलब कितना है, कितने परसेंट मिले होंगे? 64% मिले होंगे। तो यानी कि बी का 64% 116 है, तो 100% कितना होगा? 116 इंटू 100 अपॉन 64। ठीक है, एक्स टिका देते हैं। अब हमें क्या है, बी के अंक दे रखे हैं, यानी कि इस फर्जीवाड़े की वैल्यू दे रखी है 145, हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देख लेते हैं, तो बस एक बार एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्या है, 116 इंटू 100 अपॉन 64x बराबर 145। तो एक बार देखते हैं किस किस से कट रहा है। ये चला गया 50 बार, ये चला गया 32 बार, ये चला गया 16 बार, ये चला गया 25 बार, ये चला गया 8 बार, ये चला गया 58 बार। ओके, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं हो गया? सही लिखा है ना, 64, 64 70 30, हाँ ठीक लिखा है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये चला गया 4 बार, ये चला गया 29 बार, 95, 29 5 ज़ा, और 5 से ये चला गया 5 बार, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4/5, क्योंकि ये ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4/5, और हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। तो 100 × 4/5, तो 5 से 20 बार शहीद हो गया, 20 चौक 80, तो यानी कि सी को मिले थे 80 मार्क्स, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्कूटर की मरम्मत करने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तथा मरम्मत करने से पहले 48 की रफ्तार से चल रहा था। मरम्मत कराने के बाद कोई दूरी 6 घंटे में तय की जाती है, मरम्मत कराने से पहले वो दूरी कितने समय में तय की गई होगी? ओके, हमें बता रखा है, जब हमने ठीक करा लिया स्कूटर को तो 54 की स्पीड से चल रहा था, और ठीक कराने से पहले 48 की स्पीड से चल रहा था। ठीक कराने के बाद वो 6 घंटे तक चला, तो 48 की रफ्तार से कितना समय लगेगा? तो टी, मगर दूरी तो बराबर ही है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो मैंने दोनों केस के स्पीड इंटू टाइम को इक्वेट कर दिया, तो हमें टी निकालना है, तो इसको 48 से डिवाइड कर दो, तो टी आ जाएगा। तो 6 8 ज़ 48, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है 54 को 8 से, तो 6 8 ज़ 48, बचा कितना, 6 बचा, तो ये हो जाएगा 0.45। 6 6 घंटे 45 मिनट आंसर आ गया, क्योंकि हम 6/8 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/4 आएगा ना, और 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट। ठीक है, तो 6 घंटे 45 मिनट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज से एक निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी? ओके, अगर आपने बैंक में 100 रुपये जमा कराए थे, तो 5 साल 4 महीने बाद वो तिगुनी हो गई, मतलब 300 रुपये बन गए वो, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 200 रुपये। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज, साधारण ब्याज। तो हमें साधारण ब्याज पता है 200 रुपये, तो 200 बराबर मूलधन हमने 100 माना था, 100 दर अपने को पता नहीं है, आर निकालनी है। टाइम दे रखा है 5/4, 5 साल 4 महीने, 4 महीने का मतलब होता है 1/3 साल, तो ये टोटल कितने साल हो गए, 5 थे 15, 15 और 1 16, 16/3 साल हो गए ना, 16/3 साल हो गए, तो टाइम कितना आ जाएगा, 16/3 साल इंटू 100, तो इस 100 से ये 100 शहीद हो गया, तो ये चला गया 8 बार, ये चला गया 100 बार, फिर से ये चला जाएगा 4 बार, ये चला जाएगा 50 बार, ये चला जाएगा 2 बार, ये चला जाएगा 25 बार, तो ये हो गया 75/75,
दो इज इक्वल टू 8, क्योंकि 25 थी 75 और ये दो नीचे पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 37.5%, 37.5%, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो अभी तक बच्चों वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं, दमदार क्वेश्चन कोई अभी तक आया नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके आपको दो तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको एक ए प्लस बी प्लस सी के क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब इस वाले ये जो क्वेश्चन किया ना, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है तो देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमें यहाँ से ये फर्जीवाड़ा पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमें 11, तो ये हो जाएगा 121 इज इक्वल टू, हम इस वाले पार्ट को एक्स मान लेते तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी देखा 17, तो ये इंटू 17 हो गया, तो ये कितना 34, तो एक्स कितना हो जाएगा 121 माइनस 34, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 87, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 87 आ गई। अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसके बाहर ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू पता है, और जो चीज़ अननोन है, खैर अब अननोन तो कुछ बची नहीं है क्योंकि अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 17, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने अभी अभी निकाला था 87, क्योंकि एक्स को हमने माना था ये। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे 87 ये ब्रैकेट के अंदर, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने को दे रखी है 11। ठीक है, तो ये इसके साथ इंटू में हो जाएगा, तो 87 माइनस 17 कितना होता है 70, 17 इंटू 11 इज 770, तो आंसर कितना आ जाएगा 770, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 इज 62 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपन एक्स टू द पावर 6। तो हमें पहले किसी भी तरह एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, उसके बाद एक्स की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 निकालना है, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार हम देखते हैं हम एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 1 तक कैसे पहुँच सकते हैं। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू के दे रखी गई है, और हमें उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये होता है के प्लस 2 और अंडर रूट में। ठीक है, जब भी अपने को पावर आधी करनी हो ना प्लस के साथ, अब देखो पावर यहाँ पे 4 थी और भी 2 करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बस के को स्क्वायर करके ऐड 2 करना पड़ेगा। जो भी अपने को के की वैल्यू दे रखी है उसमें 2 ऐड करके उसका अंडर रूट कर देंगे, तो पावर हाफ हो जाएगी एडिशन में। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू कितनी दे रखी है 62, तो 62 प्लस 2 कितना होता है, 62 प्लस 2 हो गया 64, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया 8। सिमिलरली अब हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना, यानी कि एक बार और हाफ करेंगे पावर, तो फिर से वही के प्लस 2 और अंडर रूट, तो 8 प्लस 2 फिर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10। तो हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 10, अब हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू के दे रखी है और हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब माइनस 3 के। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी देर है अभी हमारे पास, अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10√10 हो जाएगा, क्योंकि 2√10 से तो 10 बन जाएगा, माइनस 3 के, के की वैल्यू 10 है, अंडर रूट 10 है, तो 3 × अंडर रूट 10, तो कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू 7
√10, क्योंकि 10 में से 3 के 7 बचे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 7√10 आ गया। अब हमें क्या करना है, पावर को डबल करना है, ठीक है। तो अगर हमें जब पावर को डबल करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2, और एन की वैल्यू कौन सी होती है, जो सिंगल टर्म की वैल्यू होती है। अभी हमें क्या करना था, एक्स क्यूब से एक्स की पावर 6 बनाना है, यानी कि पावर डबल करनी है। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी ना, वो एन की तरह काम करेगी, तो एन स्क्वायर माइनस 2। तो एन स्क्वायर, तो अभी हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 7√10, तो 7√10 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7√10, तो यहाँ से हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, और √10 का स्क्वायर 10 होता है, तो माइनस 2, तो 490 माइनस 2, 490 माइनस 2 इज़ 488, 488 आंसर आ गया। थोड़ा ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अगर आपको अप्रोचेस पता है तो 50 सेकेंड, 30-40 सेकेंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स दिमाग से सोच लो कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो अपने मन से कोई भी वैल्यू मान लो। तो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, जो क्वेश्चन देख के लग रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू दो दो ही पुट कर दो, दो दो, तो ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू दो है, तो 2 में 2 बराबर जीरो, तो ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म भी जीरो होगी, तो 0 + 0 कितना होता है, जीरो ही होता है, तो आंसर आ जाएगा जीरो। एक बार आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, जीरो ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स बाय 5 प्लस 5 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। अपने को ये देखा है, एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक बार उसको थोड़ा सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 10 एक्स माइनस का, क्योंकि 5 25 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 5 एक्स, नीचे एल सी एम आता तो मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको इधर बुला लेते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 बराबर जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, उसका क्यूब कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, रूट फैक्टर करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5, ये दो फैक्टर बनेंगे, को 5 25 पाँच पाँच को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई -5, क्योंकि यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो क्या आएगा, तो एक्स बराबर -5 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू -5 आ गई। तो -5 का क्यूब कितना होता है, -5 का क्यूब होता है -125, हमारा आंसर आ गया -125, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे एक और छोटा सा अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हमें एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर क्यूब में निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, जो भी अपने को नंबर दे रखा है ना एक्स के बटे में या एक्स के ऊपर, हम बस उसी का क्यूब कर देंगे। तो देखो नीचे 5 दे रखा था ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, मगर क्योंकि यहाँ पे टर्म माइनस की थी तो यह माइनस में आ जाएगा। हमेशा के लिए ये याद रही वाला अप्रोच याद रखो, शॉर्टकट है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप आंसर टिका के आगे चल सकते हो, ठीक है ना। वो आपको यहाँ पे वो नंबर चेंज करके दे सकता है, यहाँ पे जो भी वो नंबर चेंज करेगा ना, तो इस तरह से नंबर चेंज करेगा कि फार्मूला बनेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 2 इसलिए दे रखा था ताकि हमारे पास फार्मूला बने, तो आपको इस नंबर की ध्यान नहीं देनी, तो आपको बस इसमें इस पे फोकस करना है, जो भी एक्स के ऊपर है या एक्स के नीचे जो नंबर है, बस क्यूब अगर निकालना होगा तो उस नंबर का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में दे रखोगे तो प्लस में लगा देना, माइनस में दे रखोगे तो माइनस में लगा देना, आंसर यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, क्यू पी आर इज 45 डिग्री, क्यू पी आर इज 45, यानी कि ये पी जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर, एंगल क्यू और आर के जो अर्धक हैं, जो इनको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, वो ओ पर मीट करते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये दोनों एंगल भी बराबर, ये दोनों मीट कर रहे हैं ओ पे, तो अपने को ये एंगल निकालना है। ओके, जब भी इस प्रकार की कंडीशन गिवन हो तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, सेंटर वाला एंगल होता है 9 + θ/2, भी थीटा की वैल्यू 45 है, तो 90 + 22.5,
कितना होता है 112.5 आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू 45 थी, 45 का आधा करेंगे 22.5 आ गया, 90 और 22.5 112.5 होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी 90 डिग्री, यानी कि एंगल जो बी दे रखा है वो 90 डिग्री का है, ये वाला कोण समकोण है, ये बी पे समकोण है। बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी पी लंबे डाल दिया हमने ए सी पे, यानी कि ये एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल हमारा 90 है, बड़े वाला ये 30 है, तो ये कितना बचा बेचारा 60। अब ये 60 का है, ये 90 का है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 का। अब देखिए क्या निकालना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ पी बी सी, पी बी सी ओ चलो अपने को यही निकालना था, ये पी बी सी की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 आंसर आ गया। इतना लल्लू क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा धमाकेदार लग रहा है। दी गई आकृति पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल है, पी टी यू एक त्रिभुज है, पी टी यू इज ए ट्राइंगल, पी क्यू इज 11, पी क्यू का मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर, यू आर की वैल्यू दे रखी है 8, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, टी आर इज 1, टी आर की वैल्यू 1 है, क्यू टी इज 3, क्यू टी इज 3 यानी कि लंबाई रेक्टेंगल की दे रखी है 11 और चौड़ाई दे रखी है 4, ये लंबाई 4 है और ये लंबाई 11 है, ठीक है। अब जब यू आर की वैल्यू 8 है तो एस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि पूरी लेंथ 11 है, तो 8 और 3 11, तो ये लेंथ कितनी हो गई, और ये समकोण डिग्री है 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल पे, एजिस पे कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये पी यू लंबाई कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ट्रिपलेट है वैसे भी 3 4 5, तो ये लंबाई पी यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कह रहा है देख लेते हैं, पी टी तथा टी यू, एक बार हम मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अपने को थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया, और हमने पी यू की वैल्यू निकाल ली 5, है ना, लिख लेते हैं पी यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पी टी तथा पी टी यू के मध्य बिंदु को मिलाने पे, पी टी, पी टी का सेंटर पॉइंट और क्यू टी, क्यू का है टी यू, सॉरी टी यू, टी यू का सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे अगर, ओके हमने सेंटर को मिला दिया, तो मिलान में रेखा की लंबाई क्या होगी, अगर ये तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। फ्रेंड सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, जो ये वाला एंगल है ये तो बराबर है, ये वाला एंगल भी बराबर है, और ये ऑलरेडी बराबर है, अगर हम इसको मान लें ए बी सी डी ई, अभी हमने मैंने पी यू को डी ई माना, और हमने पी यू की वैल्यू 5 निकाली, यानी डी की वैल्यू 5 है, और हमें यह भी मालूम है कि जो बी पॉइंट है वो डी ए का हाफ है, और सी पॉइंट है वो ए का हाफ है, तो जो लेंथ बी सी होगी ना वो डी का हाफ होगी, यानी कि 2.5 होगी, तो जो ये लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 2.5, सिमिलैरिटी से हमने निकाला है, ठीक है ना, हाफ होती है बेस की, हाफ होती है जब वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो हाफ ही होगी, तो आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर या 5/2 सेंटीमीटर, जैसा भी, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, मतलब इस बार के सीपीयू में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था करोड़ों बार, 3 4 बार तो हो ही रखा है, सेम डायग्राम पर डायमेंशंस चेंज है। पी क्यू टी का क्षेत्रफल दी गई आकृति में समद्विबाहु बाहु त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल 72 है, पी क्यू टी इज ए समद्विबाहु ट्रायंगल, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, क्यू टी बराबर पी क्यू, क्यू टी बराबर पी क्यू, तो ये अपने को दे रखी है, और इस ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है इस वाले का 72, तो पी क्यू कितनी हो जाएगी 12, और ये भी 12 हो जाएगी, कैसे, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता तो 12 12 144, तो इसका क्षेत्रफल होता 144, मगर ये इसका हाफ है, हाफ कितना होता है 72, तो 12 12 हो गई ना, तो यानी कि ये दोनों भुजा 12 हो गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू 2 PS, पी क्यू इज इक्वल टू 2 PS, जो हमारा पी क्यू है PS का दुगना है, तो पी क्यू वैल्यू अगर 12 है तो PS कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका, क्योंकि SP का दुगना PQ है, तो अगर PQ 12 है तो SP 6 हो जाएगी, तो ये वाली लंबाई भी 6 हो गई,
तो ये कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो समलंब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताना है, वो क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 6 प्लस 18 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 12। ठीक है, तो 6 बार शहीद हो गया, और कितना होता है, 18 और 6 कितने होते हैं 24, 24 गुणा 6 बराबर 144, तो आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला, ट्रिग्नोमेट्री, वॉट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, अपने को दे रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो 1/sin² माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - sin 4/sin²। अब हम 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं, हम 1 - sin² को लिख सकते हैं 1 - sin² इंटू 1 + sin². ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, ये यही तो लिखा हुआ है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 - sin² कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 + sin² तो कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, चाहिए पूरे के साथ है, तो कॉस की अगर हम कॉस बटे साइन को हम कॉट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट इंटू 1 + sin² ठीक है, ये कॉट स्क्वायर, अब कॉट स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब हम कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर तो पहले से ही बचा हुआ है साइन स्क्वायर, और यहाँ पे पहले कॉट बचा, कॉट यहाँ बचा हुआ है कॉट स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो इस साइन से साइन शहीद हो गया, तो बचा क्या कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके, अगला क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू ही बतानी है, तो इसमें भी हमें सीधा सीधा एलसीएम ही लेना है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, तिरछी गुणा कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए इंटू सेक ए प्लस 1 + सेक ए इंटू सेक ए माइनस 1 - सेक स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और हम सेक स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको 10 स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सेक सेक की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए अपॉन में इसके 10 स्क्वायर है, तो इस सेक से इस सेक शहीद हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 sec² a अपॉन 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब हम सेक को लिख सकते हैं 1 - cos² तो 2 upon cos², और हम 10 को लिख सकते हैं cos/sin, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर शहीद हो गया, तो ये, और ये पूरे का पूरा अभी तक ये जो नाटक है ये सारे के सारे अंडर रूट के अंदर है, मैं वो लिखना भूल गया, ये पूरे का पूरा रूट में है ना, ये सब कुछ रूट के अंदर है, ये सब कुछ रूट में है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा √2 upon sin² θ, और 1/sin कितना होता है कॉसेक होता है, तो √2 cosec² a, तो कॉसेक के स्क्वायर से तो रूट शहीद हो जाएगा, तो √2 बच जाएगा, तो √2 into
कॉसेक ए आंसर आ गया, अंडर रूट टू कॉसेक ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हम टेन और कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर देते हैं तो सिस्टम क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन, हम टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, तो कॉस माइनस में पहुंच जाएगा, तो कॉस माइनस साइन, अब नीचे कॉस है तो ऊपर भी पहुंच जाएगा कॉस, तो ये वाला टर्म कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बटे में कॉस होता तो वो ऊपर पहुँच गया प्लस। अब सिमिलरली ऊपर साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे है कॉस माइनस साइन और यहाँ पे है साइन माइनस कॉस, तो एक काम करते हैं हम इस वाले पोर्शन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है, और ये इधर पहुँच जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम माइनस का हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस का पहुँच गया था, और ये पूरे का पूरा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं हो गया। और हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, कहीं तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं नहीं ठीक ही है, दिखता हम इसका ही क्या कर सकते हैं। ओके, एक नाटक हो गया वो ये कि साथ में एक स्क्वायर भी है, ठीक है ना, तो अभी हमें इस वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं है, इस वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी स्टेप में काम करते हैं। तो ये फर्जीवाड़े के साथ यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये दिख रहा था स्क्वायर। अब एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, इस नाटक के साथ पूरे का पूरे भी स्क्वायर चल रहा है और उसके नीचे ये फर्जीवाड़ा हो रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इस वाला भाग से भाग शहीद हो गया, यानी कि अब हमारे पास बचा कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको खोल देते हैं क्योंकि नीचे वाला तो कट ही गया बेचारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू कॉस ए साइन ए, तो ये पार्ट तो वन हो गया, वन प्लस टू कॉस ए साइन ए और टू कॉस ए साइन ए की वैल्यू होती है साइन टू ए, है ना, तो ये हो जाएगा साइन टू ए, तो आंसर कितना आ गया, वन प्लस साइन टू ए, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी आई, तो डी आई थोड़ी धाकड़ लग रही है, धाकड़ मतलब थोड़ी सी कैलकुलेटिव। पहला क्वेश्चन क्या करेगा देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज यील्ड, ओके, जो भी अपने को ग्राफ दे रखा है हमें इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके एक दो तीन चार पाँच छः सात से भाग देना पड़ेगा, तो अगर हम ऐड कर लेते हैं 300 और 200 500 500 और 50 550 550, तो ये हो गया बेचारा, ठीक है, तो 550 जोड़ते हैं, दो छः पाँच ग्यारह हासिल एक पाँच छः सात 712, यहाँ तो गया 712, फिर 712 जोड़ दो, दो दो चार सात एक आठ सात दो नौ 984, 984 जोड़ देते हैं, 984, चार दो छः आठ आठ 16 हासिल एक, ये कितना लिखा है 1016 नहीं 1066 है ना, अब 1066 104 और 120 दोनों को जोड़ देते हैं, 6 4 10 0 हासिल एक 6 7 8 9 2
1290 आ गया। 1290 को हमें 7 से भाग करना है, तो 7 से भाग करो, 7 एकम 7 59, 7 8 56, 18 वाला आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता और करना ही ना पड़े। 18 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक उत्पादन वाले तीन देशों का औसत प्रति एकड़ उत्पादन तथा सबसे कम तीन देशों का औसत प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है, सबसे हाईएस्ट तीन का और लोएस्ट तीन का। ठीक है, तो यानी कि फिर से हमें वही फर्जीवाड़ा करना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट तीन कौन कौन से हैं? सबसे हाईएस्ट तीन तो ये तीनों हैं और सबसे लोएस्ट तीन ये हैं, तो इनको जोड़ दो, जोड़ के इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 300 और 200, 550, 550 और 272, 550 और 272, 2 7 5 12 से ले 5 2 7 1, 822, 822। एक बार इसको भी ऐड कर लेते हैं, 82, 104, 120, 4 2 6, 8 2 10 1, 306। तो 822 और 306, तो 3 से भाग हो जाएगा, ये आ गया 102, और यहाँ पे 3 2 6 2, 7 21, 1 3 4 12। अभी एक बार फिर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 51। ऑप्शन देख लेते हैं, किसी में 51 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा। मैं शायद इसको कहीं पे ऐड करने में गड़बड़ी कर दी होगी, मगर हम तो आंसर तक पहुंच गए क्योंकि 51 तो आ ही रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा। आप लोग एक बार चेक कर लेना, शायद मैंने ऐड करने में कहीं कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया हो पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चन में हमें दे रखा था औसत, एवरेज, तो मैंने मगर डायरेक्ट कैलकुलेट करके ये एवरेज निकाल, मतलब आंसर निकाल दिया। आप चाहे अगर अब इसको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 3 करते तो आता तो उतना ही ना, औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों को हमने 3 से डिवाइड किया है। किसी भी एवरेज में हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो औसत में, मतलब रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चाहे आप टोटल का निकालो या एवरेज का निकालो, बात एक ही है। ठीक है ना, अब ले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल पर एकड़ यील्ड ऑफ इंडिया एंड चाइना इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल? ओके, रिमेनिंग कंट्रीज, इंडिया और चाइना का जो टोटल है वो बाकी शेष देशों का कितना प्रतिशत है? यानी फिर से ऐड करना पड़ेगा, इंडिया कौन सा है? इंडिया पहला है और चाइना ये है, तो कितना हो गया? 300 और 200, 572, 572 हो गया इंडिया और चाइना। अब बाकी सबको ऐड करते हैं, 80, 104, 120, 162 और 250, 4 2 6, 8 2 10, 16, 16 5 21, 2, 2 3 4 5 6 7, तो 572/716 × 100। तो हम इस 572 को 570 मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस 716 को 720 मान लेते हैं × 100। ठीक है, ये 0 से 0 शहीद हो गया, तो अभी कोई किसी कट पिट रहा है क्या? 36, 18 2 36 2 72, 18 18 चौक 72 और 18 3 56 है ना, मगर ये 56 थोड़ी 57 है, यानी कि 3/4, 75% से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा क्योंकि अपने इसको 56 माना है जबकि ये 57 है, तो 75 से ज़्यादा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, के आसपास वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। अगर दो तीन होंगे पास पास के तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एक ही है भाई 75 के आसपास वाला, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तगड़े होते हैं डीआई के। हाँ, दिखने में ही लग रहा है। ऑल कंट्रीज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सभी देशों को प्रति एकड़ के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम दो देश अपने प्रति एकड़ उत्पाद में 20% बढ़ते हैं तथा बाकी सब देश अपने प्रति एकड़ उत्पादन से 10% बढ़ते हैं, तो औसत प्रति एकड़ कितना होगा? तो सबसे कम दो देख लेते हैं। सबसे कम दो कौन से हैं? सबसे कम दो ये रहे, ठीक है। ये दोनों देश तो बढ़ेंगे बेचारे 20%, और बाकी सारे के सारे बढ़ेंगे 10%। तो देख लेते हैं इन दोनों का कितना ऐड करके आता है। 82 और 104 कितना होता है? 4 2 6 8, 186। तो 186 प्लस 20%, ठीक है, और रिमेनिंग को भी ऐड कर लेते हैं। रिमेनिंग कितना है? 300, 250, 162, 272 और 120। 2 2 4, 7 2 9, 9 6, 9 6 15, 5 20, 20 का 0 हासिल। तो 3 2 5 2 7, 8 9 10 11, 1104। अब 1104 में कितना बढ़ेगा? 10%, ठीक है। तो 186 का 10% है 18.6, मगर अपने को 20 मिनट दिए, तो 18.6 दो बार हो जाएगा। तो 0.2 हासिल एक, 8 8 16, 8 24 1 23, 2 8 10 11 12, हासिल एक 232। तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से कितना आएगा? 1104 का 10% कितना होता है? 110.4 होता है। तो 0.4 4 1 2 1, तो यहाँ से कितना आ गया? 1124। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल तो निकालना पड़ेगा, और टोटल करके 7 से भाग दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1 1 2 1 4.4 और 2 2 3.2। तो 4 और 2 6 दशमलव 4, 4 3 7, 2 1 3, 2 2 4 और 1, ये आ गया टोटल, ठीक है, 1437.6। तो 1437.6 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 0 लगाया तो 3 का 7 भी आ गया, 7 पंजे 35, 205 के आसपास वाला आंसर होगा। देख लेते हैं एक बारी, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई आप में से कुछ फ्रेंड्स को ये क्या फर्जीवाड़ा हो गया, समझ में नहीं आया होगा शायद, मैं फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो भी डेटा दे रखा है ना, हमने उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर सब उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, और जो सबसे आखिरी के दो देश बचेंगे ना, तो आखिरी के दो देश कौन से बचेंगे? 82 और 104। इनकी वृद्धि होती है हर साल 20%, और जो रिमेनिंग है उनकी वृद्धि होती है 10%। तो मैंने इन दोनों का 20% निकाला और उसमें ऐड कर दिया, तो 186 इन दोनों को ऐड करके आ रहा था, इसमें हमने 20% जोड़ा था, 223 हो गया, 223.2। जो रिमेनिंग देश है मैंने उनको जोड़ा, उनको जोड़ के 1104, और उनकी वृद्धि हो रही थी 10%। तो 1104 की वृद्धि 10% होता है, 110.4 जोड़ा तो उससे आ गया 1214। अब हमें औसत निकालना है, तो कुल का, तो कुल क्या होगा? इस फर्जीवाड़े को इसमें जोड़ा गया तो उससे आया 1437। अब उसको एवरेज निकालना, तो 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 देश है, 7 से भाग किया तो 205 आया था हमारा, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 205 वाला। ओके फ्रेंड्स, आज के इस शायद ये क्वेश्चन आखिरी था, होपफुली, हाँ आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी कुछ बेनिफिट हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।